खाने में अगर घी का स्वाद आ जाए तो क्या कहना। उस पर भी अगर बिल्कुल देसी घी गांव का बना हुआ, अपने हाथ से बिलोना घी बना हुआ हो तो उसकी तो बात ही क्या है। तो आज हम बनाने वाले हैं गांव के दूध से देसी घी। हेलो एंड वेलकम बैक टू गांव टू एक्सप्लोर। ये मलाई हम घी निकालने के लिए जमा करते हैं। मलाई 15 दिन की है, ये पूरा पतीला भर जाएगा तब इसमें घी निकालेंगे। इसमें से पूरी मलाई निकाल के इसमें डाल दिए। ये हमने 15 दिन की मलाई इकट्ठा करी है, अब इसका घी बनाएंगे। कल रात को मैंने इसमें दही लगा दी है, जमा दिया है ताकि अच्छे से मक्खन निकल जाए इसका। अभी जैसे ये गाढ़ा है, इसको मिक्सी में थोड़ा पानी डाल के हल्का कर लेंगे और इसमें ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे। सर्दियों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी। अब ये देखिए हमने ये थोड़ा चला लिया है। ऐसे धीरे धीरे हम सारी मलाई को इसमें डाल के बारीक कर लेंगे। पानी इसमें ठंडा इस्तेमाल करना है। तो हमने सारी मलाई बारीक कर ली है मिक्सी के जार में डाल के। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसकी मदद से निकालेंगे मक्खन को ऐसे ऐसे करके। मिक्सी में बारीक करने की वजह से बढ़िया सा हमारा मक्खन फटाफट निकल गया है। अब हम इसको कढ़ाई में निकाल लेंगे। ये साइड कर देते हैं। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी नहीं लगा है। अब इसको हाथ से निकालेंगे। इसमें से हमने सारा मक्खन निकाल लिया है, अब इसमें बिल्कुल भी मक्खन नहीं बचा। ये रहा सारा मक्खन। अब हम इसको गैस पे रखेंगे पकने के लिए। अब इसको आधा घंटा लगेगा करीब बनने में। घी हमारा बन गया है, अब हम इसको छान लेते हैं।
इकट्ठा करने के बाद हमने 1 लीटर घी निकाल लिया है। और ये प्योर देसी घी है और इस घी का तो क्या लाजवाब स्वाद आता है, बिल्कुल एकदम मजा आ जाता है इसको खाने के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।